पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के साथियों, नया साल मुबारक हो। गुज़श्ता साल आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी इदारों के हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसके हवाले से भी जो खदशात पाए जा रहे थे वो खदशात अभी तक बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत ने अभी अफगानिस्तान के ऊपर एक OIC वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई, लेकिन उसमें कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि जो बातें पहले ड्राइंग रूम्स के अंदर कही जा रही थी, फिर वेस्टर्न पावर्स अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो बातें थिंक टैंक्स कह रहे थे, वो अब सच्ची साबित होती जा रही हैं कि मोदी और इमरान खान का गठजोड़ हो चुका है और कश्मीर के किसी फाइनल सेटलमेंट यानी जो उधर का कश्मीर उनके पास और इधर का कश्मीर पाकिस्तान के पास, इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल बात किसी हतमी नतीजे पर पहुँची है। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और कोई भी बागैरत कश्मीरी इस हाल को तजवीज़ नहीं करेगा और ना इसकी सपोर्ट कर सकता है। इंशाल्लाह वो मुज़ामत तो सियासी हवाले से हमारी जारी रहेगी। लेकिन अब 2022 का ये साल है, ये आज़ाद कश्मीर में पार्टी के हवाले से तंजीम नो का साल है और बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने डायरेक्शन दिए हैं, अगर हुए तो इंशाल्लाह एक अहम संग मील होगा आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारों के फ़रोग के लिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तमाम इलेक्शन के अंदर जिस तरह के एक दूसरे के साथ कोई कशीदगी थी, कोई एक दूसरे के साथ कोई रंजिश थी, सियासी रंजिशें थी, वो उसको भूल जाएं और पार्टी की बेहतरी के लिए जो भी छोटी मोटी लड़ेबंदियाँ एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और अनाद था उसको ख़त्म करें और पार्टी की बेहतरी के लिए, तंजीम नो के लिए सब मिलकर कोशिश करें। इसमें हमारी ख़वातीन, हमारी यूथ विंग, हमारी MSF, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारे किसान विंग, ट्रेडर विंग, सारे लोग मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की असर नो तश्कील करें। 12 साल के बाद पहली मरतबा तंजीम साजी हो रही है और इंशाल्लाह एक बेहतरीन तंजीम साजी दें और बेहतरीन तंजीम बनाकर हम अगले बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर उसका आउटपुट भी दें और वो आउटपुट जो है ऐसा हो कि महसूस हो, जिस तरह कि अभी एक धचका खैबर पख्तूनख्वा में PTI की इस कठपुतली हुकूमत को हुआ है, कठपुतली जमात को हुआ है। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी अगर आप सब मुतहद हुए तो इस कठपुतली हुकूमत और न्याजी सरकार जो कि अब आज़ाद कश्मीर तक तोसी हो चुकी है उसकी, उसको हम टफ टाइम दे सकेंगे। लेकिन शर्त इस बात की है एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इखलास, सिंसियरिटी के साथ तंजीमें नो करें और बल्दियाती इलेक्शन के लिए अपनी सरबंदियाँ करें। अल्लाह आपको और मेरा हामी नासर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद।